पूछने वाले थे कुछ भी पूछते हैं चलो रोलिंग रोल बाबा ठीक है पहले तो काफी डांट फटकार पड़ी पंखुड़ी आज आपको मुझे बड़ी डांट फटकार मेरे नानी जी को डांटा उससे पहले एक सीन देखा हमने जहाँ पे गेट आउट शट आउट हो रहा था सो हमारी नानी जी जब से आई है मुझे बस डांट रही है मुझे भगा रही है रूम से गेट आउट बोल के निकाल देती है तो हम बस यही कर रहे हैं अभी थोड़े दिनों से अभी वो मुझे मना रही है कोशिश कर रही है कि मैं मान जाऊँ और इनकी बातों पे और इनके सब परिवार की जो भी फंक्शंस है उसमें शामिल हो जाऊँ तो कैसे मना रही नानी नानी अम्मा को आप बस कोशिश कर अभी तो मैं उनको थोड़ा तंग कर रही हूँ आई एम बॉदरिंग हर मैं बार बार आके उनको टीज कर रही हूँ तो वो और गुस्सा हो जाती है फिर हमें रूम से भगा देती है मुझे और आदि को तो बट हम ये ट्राइंग आवर बेस्ट लेट्स सी नानी जल्दी मान आई थिंक दे ऑल बिलीव कि नानी आई थिंक वो सब उन सबको विश्वास है कि नानी अच्छी नेचर की इंसान है लेकिन इस वक्त थोड़ी नाराज है और काफ़ी सालों का दर्द लिए अपने दिल में घूम रही हैं परिवार के प्रति उसको नाराजगी है उनको नाराजगी है तो इसलिए आई थिंक बेसिकली यू नो कि नानी इज नॉट अ बैड पर्सन या वी नो दैट शी इज अ गुड लेडी बस वो गुस्सा है और हम उन्हें मनाने की कोशिश कर तो कैसे मानेगी नानी आखिर मानोगे ना ये तो देखना पड़ेगा ना वो तो आप सब कुछ बता देंगे तो आप हमारा सीरियल देखना बंद कर दोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा अच्छा पंखुड़ी नानी माँ मान जाओ वो जो गाना है वो एक बार गा के उनको शायद मान की कोशिश कीजिए शायद मान जाए नानी वो तो दादी अम्मा दादी अम्मा हाँ दादी थोड़ी हो तो कायरा से गवाना कायरा गाई हम बस अपनी तरफ से तंग करके मनाने की कोशिश करेंगे अच्छा तो पहले तो कियारा की शादी में और क्या क्या होने वाला है संगीत में काफी धमाल होने वाला है सुनने में आया था पता नहीं यार अभी तो होगा तब हमें भी पता चलेगा बट या इट्स गोइंग टू बी गुड फन हमारा एक फंक्शन और ऐड हो गया था कवाली सो अभी संगीत है फिर शादी है आई थिंक लास्ट शादी है दीवान फैमिली की तो इट विल बी मैसिव एंड आई थिंक बिकॉज राजश्री प्रोडक्शंस इज डूइंग इट सो आल्सो नानी हमारे शो में आई है तो हम उनको वेलकम दे रहे हैं कायरा की शादी से तो आपको मजा आ रहा है ना हमारे शो पे बहुत मजा आ रहा है मैं अच्छी हूँ ना अच्छा मेरे बारे में बोलती हूँ सब बहुत अच्छे हैं एंड काफ़ी साल के बाद मैं एक यूनिट के साथ काम कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज दे सो फ्रेंडली वॉर्म एंड सब लोग इतने कल्चर है एकदम हमारे राजश्री प्रोडक्शंस के जो बरजातियाज हैं उनकी तरह कल्चर है सब लोग और पहले भी मैंने कई साल पहले 15 साल पहले हम साथ साथ है किया था इसी प्रोडक्शन के तहत तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कमबैक है एंड इट्स अ नाइस रोल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट तो काफी अलग लुक में भी पंखुड़ी दिख नजर आ रही है तो मैं बाल जब भी हर रोज एवरीडे में तो हम लोग वही रोज का स्ट्रेट हेयर रखते हैं बट ऑफ कोर्स जब फंक्शन होता है तभी कुछ कलाकारी करने को मिलती है सो आई कीप डूइंग समथिंग और यार रानी जी कैसी कलाकारी लगी पंखुड़ी की बहुत सुंदर है मतलब एक्चुअली हमारे शोज में जितनी भी गर्ल लेडीज हैं सब लड़कियां बहुत ही खूबसूरत है और मैंने तो कुछ तस्वीरें भी खींची है उनकी खास करके वो कवाली के फंक्शन के दौरान दे वर लुकिंग सो ब्यूटिफुल सब मतलब सब मुझे मधुबाला नजर आ रही थी सब अनारकली मधुबाला इट वॉज वेरी नाइस ऑल्सो द सेटअप बहुत अच्छा था और बाकी सब लड़कियाँ आजकल इतनी यंग हैं और इतनी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं इट्स अमेजिंग मतलब कुछ 10 साल पहले जब सीरियल्स का ये भरमार शुरू हुआ था तब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि नई लड़कियाँ दे वर नॉट सो एक्सपीरियंस और दे वर नॉट यू नो बी एबल टू परफॉर्म इमीडिएटली लेकिन आजकल सब वन टेक में ओके हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग नौ सीखी है ये लोग सब सीखे सिखाए आ जाते हैं तो दिशा इतनी तारीफ हो गई आप भी कुछ अभी क्या बोलूँ शर्म आ रही बट ऑफकोर्स अच्छा लगता है कोई इतना एक्सपीरियंस आपकी तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो शी इज़ गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस शी इज़ वर्क सो मच उनके मुंह से कुछ सुनने को मिले तो इट फील्स ग्रेट अच्छा तो शो की बात करें तो कुछ तो पैतरे अपनाएंगे आप नानी जी को मनाने के लिए अरे तो... शुरू हो गए हमारे पैतरे हम लोग पीछे पड़ गए हैं उनके कि वो मान जाए हाँ पूरा परिवार को एक एक करके कुछ ना कुछ बोल के जा रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के मतलब कह के बना रहे हैं कोई इमोशनल नाटक कर रहा है कोई पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेल इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है लेकिन नानी जो है इतनी डटी हुई है टस से मस नहीं हो रही है लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है इनकी अदाओं में और इनके सब इनके प्यार के सामने नानी को झुकना ही पड़ेगा थैंक यू सो मच